भारत में मुगल सल्तनत की बुनियाद रखने वाले और दुनिया के महान विजेताओं में शुमार जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर अपनी किताब बाबरनामा में लिखते हैं कि मारकाए खानवा में जो मेवकोम ने मेरे पसीने छुड़ाए वो समरकंद में शैबानी खान भी नहीं छुड़ा पाए। बाबर आगे अपनी किताब में लिखते हैं, ये दुनिया की उन चंद तरीन कौमों में शुमार है जो युद्ध के मैदान में मौत के डर से पीठ नहीं दिखाया करती हैं, लेकिन 1947 के बंटवारे में इस कौम को पीठ दिखाने पर मजबूर कर दिया और मेव कौम कभी न ख़त्म होने वाली तबाही की तरफ बढ़ते हुए दिल्ली कैंपों में जा पहुंची। अगस्त 1947 में भारत और पाकिस्तान में नेहरू और जिन्ना की ताजपोशी की तैयारियां चल रही थी। अगस्त का महीना आने तक हजारों मेव बैलगाड़ियों से और पैदल चलकर पाकिस्तान पलायन कर चुके थे। पलायन का सफर इतना खतरनाक था कि सैकड़ों लोग भूख और प्यास से रास्ते में ही दम तोड़ गए और हजारों मेव पाकिस्तान जाने के लिए दिल्ली और गुड़गांव कैंपों में जा पहुँचे, जहाँ इनके खाने पीने का इंतजाम भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कर रहे थे। दिल्ली कैंपों में मेवातियों से अक्सर दो बड़े लीडर मिलने आते थे, उनमें एक थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जो अक्सर मेवातियों से कहते थे कि हमारे लिए नया मुल्क बन गया है और तुम लोग पाकिस्तान चलो, और दूसरे थे चौधरी यासीन खान, जो कि खुद मेव कौम से ताल्लुक़ रखते थे। आठवीं कक्षा को पूरे पंजाब में टॉप करने वाले चौधरी यासीन खान चंडीगढ़ हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील और मेव कौम के बड़े राजनेता माने जाते हैं। यासीन खान मेव से दिल्ली कैंपों में मिलते और उन्हें भारत में ही रुकने के लिए प्रेरित करते, लेकिन मेव पिछले एक महीने से जिस खौफनाक मंजर से गुजरे थे वो भारत में नहीं रुकना चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं फिर से धाड़ों के हमले मेवातियों पर शुरू न हो जाएं। मेवाती कई महीनों तक बिना घर बार के दिल्ली कैंपों में पड़े रहे, क्योंकि पूरे भारत में हिंदू मुसलमान दंगे शुरू हो चुके थे। इधर पंजाब के अमृतसर और पटियाला में मुसलमानों का कत्लेआम किया जाने लगा, तो उधर लाहौर में हिंदुओं के भारत पलायन की दास्तां इससे भी ज़्यादा खतरनाक थी, जहाँ हिंदुओं से भरी हुई पूरी ट्रेन को काट दिया गया। इन दंगों में 10 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए और 1 लाख लड़कियों और औरतों का बलात्कार किया गया। चौधरी यासीन खान और अब्दुल हई कई बड़े मेव लीडर्स के साथ बिड़ला हाउस जाकर महात्मा गांधी जी से मिले, ताकि मेवों के पलायन को रोका जा सके, जिसके नतीजे में महात्मा गांधी जी ने खुद मेवात आने का फैसला कर लिया और 19 दिसंबर 1947 को घासेड़ा गांव के गुज्जरबाड़ा में मेवों के साथ गांधी जी ने महापंचायत की और कहा कि गांधी खुद मेवों के साथ हिंदुस्तान में मरना पसंद करेगा और मेव कौम हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है। महात्मा गांधी जी ने मेवों को भारत में ही रुकने के लिए कहा और हर सुविधा का आश्वासन दिया, जिससे दिल्ली कैंपों में रुके मेव भारत में ही रुक गए और जो मेव पाकिस्तान पलायन कर गए उनमें से हजारों मेव वापस अपने वतन लौट आए और हजारों पाकिस्तान में ही रुक गए। 1947 के इस बंटवारे में पूरे हिंदुस्तान में हैबतनाक मंजर बन गया और हर कौम को इस बंटवारे की कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन इस बंटवारे में मेव कौम की ताकत दो हिस्सों में तकसीम हो गई, जिसकी टीस आज भी मेवातियों को महसूस होती है, क्योंकि पाकिस्तान के पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध राज्यों में बसे तकरीबन 20 लाख मेवातियों को आज भी मुहाजिर कहकर बोला जाता है और भारत में देश की राजधानी दिल्ली से मात्र 60 किलोमीटर दक्षिण में बसे मेवों को सिर्फ 4 लाइन सड़क के लिए कई सालों से सड़कों पर प्रदर्शन करते देखा गया है। साल 2006 में आई सच्चर रिपोर्ट ने मेवात को देश का सबसे पिछड़ा जिला माना और भारत में मुसलमानों की हालात दलितों से भी बदतर बताई। आज़ादी के 75 साल बाद भी मेवात को एक यूनिवर्सिटी तक नहीं दी गई, यही वजह है कि हरियाणा में शिक्षा दर में मेवात सबसे निचले पायदान पर है। 2006 में सच्चर रिपोर्ट के बाद सरकारों ने मेवात के विकास की पहल की और छोटी मोटी सौगातों के साथ नुहू में शहीद हसन खां मेडिकल कॉलेज बना दिया, लेकिन लोगों के कान उस वक्त खड़े हो गए जब 2018 में नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की। 2018 में आई नीति आयोग की इस रिपोर्ट ने मेवात को देश का सबसे पिछड़ा जिला माना। आज भी मेवात को किसी भी रेलवे ट्रैक से नहीं जोड़ा गया है। देश के लिए सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी देने वाली मेव कौम के साथ हमेशा से अन्याय हुआ है, जबकि तारीख गवाह है मेवातियों ने कभी रोजगार,
या किसी सरकारी स्कीम के लिए कभी तोड़फोड़ या हंगामा नहीं किया और ना ही इस कौम में कभी कोई गद्दार पैदा हुआ। भारतीय इतिहास की सबसे देशभक्त इस कौम के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल द राइज ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।